हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैब विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट इज एआई एंड सर्च प्रोसेस। एआई क्या है और एआई सर्च प्रोसेसेस क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एआई सर्च प्रोसेसेस क्या होती है। एट द कोर हार्ट ऑफ मैनी इंटेलिजेंट प्रोसेसेस लाइज द प्रोसेस ऑफ द सर्च। ठीक है, ये कहते हैं एट द कोर हार्ट ऑफ मैनी इंटेलिजेंट प्रोसेसेस कि जो भी इंटेलिजेंट प्रोसेसेस होती है उसका एज अ कोर हार्ट कौन होता है, द प्रोसेस ऑफ सर्च। कि सर्च करने की जो प्रोसेस होती है, किसी भी चीज को ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, कोर हार्ट बोला जाता है इंटेलिजेंस का। दोबारा पढ़ते हैं इस लाइन को, एट द कोर हार्ट ऑफ मैनी इंटेलिजेंट प्रोसेसेस। ठीक है, इंटेलिजेंट प्रोसेसेस का कोर हार्ट जो है क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सर्च, सर्च प्रोसेस। सर्च कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज फाइंडिंग एज द पाथ थ्रू अ ग्राफ और अ ट्री स्ट्रक्चर। अगर हम सर्च की बात करते हैं तो सर्च को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि एक हमारे पास ग्राफ है या फिर कोई एक ट्री है। दो ही चीज़ होती है सर्च में, और भी होती है डेटा स्ट्रक्चर्स की, बट यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं एआई में वो सिर्फ दो ही चीज़ यूज़ करते हैं, विच इज ग्राफ एंड ट्री। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास एक ग्राफ है या फिर एक ट्री है। हम यहाँ पर एक ग्राफ का एग्जाम्पल लेते हैं या फिर एक ट्री का एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, ट्री में हमने क्या करना है, यहाँ पर ट्री के ब्रांचेज होंगी, पेरेंट्स है, पेरेंट्स के चाइल्ड होंगे, सब चाइल्ड होंगे, लीफ नोड होंगे, चाइल्ड नोड होंगे, अलग अलग टाइप के नोड्स होंगे। हमने डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक्स में ट्री को डिस्कस किया था, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सर्च करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट ट्री का यूज करेंगे, फिर राइट का, ये सब अलग अलग टेक्निक्स पर डिपेंड करता है कि हम किस वे से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप पर किसको सर्च करना है, कौन सी साइट पर सर्च करना है, एंड सेकंड स्टेप पर कौन सी साइट को सर्च करना है, और किस तरीके से हमें जाकर स्टॉप करना है अपनी सर्च प्रोसेस को। नंबर ऑफ यहाँ पर सर्च प्रोसेसेस हैं जहाँ से हम किसी भी नोड को सर्च कर सकते हैं, ऑप्टिमल पाथ को, एब्सोल्यूट पाथ, डिफरेंट टाइप के पाथ को, सॉल्यूशंस को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि सर्च क्या होता है, सर्च को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी ट्री में या किसी भी ग्राफ में कोई पाथ को ढूंढना है, सर्च करना है किसी भी पाथ को। पाथ क्या बनता है, कलेक्शन ऑफ नोड्स, द पॉसिबल कनेक्शन ऑफ नोड्स का द पाथ। जो पॉसिबल कनेक्शन होते हैं नोड्स के उसको हम पाथ बोलते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर पाथ को सर्च करना है कि कौन से नोड से होकर हमें जाना पड़ेगा जिससे हम अपने गोल नोड तक पहुंच सके। इतना समझ में आया। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट्स इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिंग द नोड्स। देखो ट्री में क्या होता है, ट्री के दो ट्री बन गए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट के भी अपना लेफ्ट राइट है, राइट का भी लेफ्ट राइट है, फिर उसके भी आगे फर्दर लेफ्ट राइट, फिर ऐसे ही राइट साइड में लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट। यानी कि हर एक नोड के दो या दो से ज्यादा, यहाँ पर हम बाइनरी ट्रीज का मोस्टली यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम कितनी नोड्स का यूज करते हैं, एक अगर पेरेंट नोड है उस पेरेंट नोड के मोस्टली या तो जीरो चाइल्ड होगा, वन चाइल्ड होगा, या फिर टू चाइल्ड होंगे, टू से ज्यादा चाइल्ड नहीं होंगे और जीरो से कम चाइल्ड नहीं होंगे। ठीक है, नहीं तो वो माइनस में चला जाएगा। जीरो, वन और टू, इतने नंबर ऑफ यहाँ पर चाइल्ड जो है वो क्रिएट कर सकता है। जब कोई भी पेरेंट नोड है वो अपने चिल्ड्रन नोड्स को मेक कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, जब कोई पेरेंट नोड अपने चाइल्ड नोड्स को बना रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जनरेशन जो होती है यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट्स। यानी जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने अपने चाइल्ड नोड्स को बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सपेंडिंग द नोड। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं नोड को। एक नोड है उसको दो नोड्स में अलग अलग बांट रहे हैं, फिर उससे भी आगे फर्दर टू टू नोड्स को हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेंड कर रहे हैं हम। एक्सपेंड करना मीन्स एक एक सिंगल प्लेस से मल्टीपल प्लेसेस को जो भी पाथ है, पॉसिबल पाथ जनरेट कर देना। ठीक है, सर्च प्रोसीजर इज अ स्ट्रेटेजी फॉर द सिलेक्टिंग द ऑर्डर इन विच नोड आर जनरेटेड एरा ऑफ द गिवन पाथ सिलेक्टेड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो सर्च प्रोसेस होता है, जो हम सर्चिंग के लिए यूज करते हैं, ये एक टाइप से इस तरह की स्ट्रैटेजी है, इस तरह की टेक्निक है जो सिलेक्ट की जाती है कि ऑर्डर में, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3 4, या फिर बैक साइड से 4 3 2 1, इस साइड से, यानी आप रिवर्स में भी ले सकते हो और कंटिन्यू में भी ले सकते हो ऑर्डर। अब हमने ऑर्डर सिलेक्ट कर लिया कि कौन से ऑर्डर में हमने सर्च करना स्टार्ट करना है, तो उसी अकॉर्डिंग हम आगे सर्च करते रहेंगे और एक नया पाथ हमें जनरेट होकर मिल जाएगा। इन्हीं नोड की कलेक्शन से एक नया पाथ हमें फिल्टर होकर मिल जाएगा कि हम अपने गोल नोड तक सबसे कम कॉस्ट में कैसे जा सकते हैं। इन द प्रोसेस रिडक्शन मेथड, प्रोसेस प्रॉब्लम रिडक्शन मेथड में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, जब हमने टाइप्स
प्रॉब्लम्स के टाइप्स को पढ़ा था कि प्रॉब्लम्स को करेक्टराइज कैसे कर सकते हैं एआई ही। उसके अंदर हमने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन और प्रॉब्लम रिडक्शन को रीड किया था, राइट। उसमें क्या होता है, एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, उस बड़ी सी प्रॉब्लम को हम स्मॉल स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर एक सिंगल सिंगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और लास्ट एंड पर आकर उन सभी सॉल्यूशंस को कंबाइन कर देते हैं, जिससे क्या होता है पहले शॉर्ट प्रॉब्लम्स की यानी सब प्रॉब्लम्स की हमें सॉल्यूशन मिली और फिर डायरेक्टली हम या कहें हम कि इनडायरेक्टली वैसे हम बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, बट उसको हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं या ब्रोक डाउन कर देते हैं या कहें डीकम्पोज कर देते हैं सब प्रॉब्लम्स में, ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, सब प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है डीकम्पोज हो सकती है, फिर सबके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अलग अलग निकालो इंडिविजुअली और उन सब प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेट करते रहो, पहले फर्स्ट और सेकंड को इंटीग्रेट किया, फिर उन दोनों को मिलाकर फर्स्ट और थर्ड को इंटीग्रेट किया, इस तरह से इंटीग्रेट करने के बाद जब लास्ट में सब प्रॉब्लम्स जितने भी सब प्रॉब्लम्स है वो इंटीग्रेट हो जाएंगी तो हमें बिग वाली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन फॉर द दिस सब प्रॉब्लम्स आर इजली ऑब्टेन। जब हम सब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो इनका सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाता है, बट एक ही बारी में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इधर से क्या होगा, एक टाइप का हम सॉल्यूशन निकालेंगे दूसरा उलझ जाएगा, दूसरे का निकालेंगे तीसरा और पहला उलझ जाएगा, इस तरह से होता है कि हम आगे साइड उलझते रहते हैं उसी प्रॉब्लम में अगर हमें एक प्रॉपर मेथड का यूज ना कर रहे हो तो। इसलिए सबसे बेस्ट वे है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डीकम्पोज कर दो, देन लास्ट में आकर इंटीग्रेट कर दो। द सॉल्यूशन फॉर ऑल द सब प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली गिवन द सॉल्यूशन फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये वही लिखा है। अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ब्रेक डाउन करो, सब प्रॉब्लम्स को इजिली हम फाइंड कर सकते हैं इसलिए सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालो, देन लास्ट टाइम पे उन जितने भी हमने सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाले हैं वो कलेक्ट करो और एक बड़े सॉल्यूशन निकालो इंटीग्रेट करके जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन जाएगा। टू डू अ सर्च प्रोसेस वी नीड इनिशियली स्टेट रिप्रेजेंटेशन या डिस्क्रिप्शन सेट ऑफ द लीगल ऑपरेटर्स दैट चेंजेस द स्टेट और फाइंड गोल द गोल स्टेट, ठीक है। ये कहते हैं कि बेसिकली जब हम सर्च प्रोसेस करते हैं सर्चिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन होने चाहिए या कुछ ऐसे स्टेज हैं जो होने ही चाहिए। इनिशियल स्टेज होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, गोल स्टेज होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए और कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से लीगल ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए, इनिशियल स्टेज और गोल स्टेज का पता होना चाहिए। देयरफॉर टू डू अ सर्च प्रोसेस द फॉलोइंग नीड्स, इसलिए जब हम सर्चिंग करना स्टार्ट करते हैं तो इन कुछ चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, लिस्टिंग की गई है यहाँ पर। देखो यहाँ पर कौन सी चीज़ है, फर्स्ट पर आते हैं यहाँ पर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर स्टेट स्पेस क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं जो पॉसिबल है कि इसको हम एज अ सॉल्यूशन की तरह यूज कर सकते हैं उसे बोलते हैं स्टेट स्पेस। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल स्टेट, जितने भी पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं उन सबको डिस्क्राइब करना, एंड द स्टेट दैट जनरली फॉर्म अ ग्राफ इन विच द नोड्स आर स्टेट्स एंड आर्क्स रिप्रेजेंट्स द एक्शन। इनिशियल स्टेज क्या होता है, जिस स्टेज पर अभी हम हैं हमारी करंट स्टेज उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेज, द स्टेट वेयर फ्रॉम सर्च वी कैन स्टार्ट, वैसे स्टेज या वो स्टेज जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं सर्च करना, ठीक है। गोल स्टेट क्या होती है, द स्टेट वेयर द प्रोसेस कैन बी फिनिश, जहाँ पर जाकर हमारा प्रोसेस फिनिश हो जाए और हमारा जो भी गोल था वो हमें अचीव हो जाए। ऑपरेटर्स और रूल्स क्या होते हैं, द सेट ऑफ लीगल ऑपरेटर्स या सेट ऑफ लीगल रूल्स दैट चेंजेस द स्टेट, कुछ ऐसे ऑपरेटर या कुछ ऐसे रूल्स जो स्टेट को चेंज करने में हेल्प करते हैं। स्टेट वन है तो स्टेट टू पर हम कैसे जा सकते हैं, अभी पॉजिटिव स्टेट है तो नेगेटिव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम किसी ना किसी ऑपरेटर का या फिर रूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, आज हमने डिस्कस किया एआई में सर्च प्रोसेसेस क्या होती है और उसको जितने भी हमारे पास पॉइंट्स आते हैं कौन सी इसमें इनिशियल थिंग्स हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए वो हमने सब डिस्कस किया है। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में कोई डाउट आते हैं देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।